So hi guys, welcome back to the vlog, or I hope you guys are good. And right now I'm sitting in my balcony and मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि this is the first bunch of flowers. और बहुत ही अच्छा लगता है सुबह उठने के बाद. मैंने आज देखा कि मतलब रात कल तक परसों तक ये नहीं थे. परसों रात को हम मेरठ चले गए थे तो परसों तक ये नहीं थे. और कल रात को हम लेट नाइट आए तो आज मैंने देखा तो आई फाउंड दीज फ्लावर्स. इट्स सो रिफ्रेशिंग इन द मॉर्निंग. और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो मैंने आपको जैसे बताया था, ये मेरे कड़ी पत्ते में ये जो आने लगे हैं नए ब्रांचेस, शूट्स निकलने लगे हैं. सो इट्स फील सो गुड कि एक पेड़ हमने बचा लिया है. बिकॉज ये वन ऑफ माई फेवरेट था शुरू से, मैं इसको बचाना चाहता था. और साथ ही साथ मिले मुझे कुछ फ्लावर्स, एक बढ़िया सरप्राइज मिला. तो आई हैव टू गो टू बाराखंबा टुडे. मुझे आज बाराखंबा जाना है किसी काम से. सो लेट मी गेट रेडी एंड देन वील प्रोसीड टू बाराखंबा. सो इट्स 9:30 इन द मॉर्निंग और आई हैड अ क्विक बाथ और उसके बाद थोड़ा ब्रेकफास्ट किया एंड देन अब मैं जा रहा हूँ बाराखंबा रोड पुलिस स्टेशन. आई हैव सम वर्क देयर एक्चुअली. तो जल्दी से मुझे वहाँ, वैसे तो मुझे और भी शायद थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था बट बिकॉज अभी जो है ट्रैफिक हो जाएगा काफ़ी. बट ठीक है, 9:30 बजे हैं, निकल गया हूँ और मैं जा रहा हूँ अभी. और हम लोग मेरठ गए थे तो इसी काम की वजह से हम गए थे. शायद 2-3 दिन रुक के आने वाले थे बट इसी काम की वजह से मुझे वहाँ से जल्दी आना पड़ा. और हम कल रात को ही वापस आ गए थे. और जो है वहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी के जो है चारों टायर, एक्चुअली मेरे जो टायर्स थे गाड़ी के वो बिल्कुल ख़राब हो गए थे तो वो मैंने चेंज कराए हैं. और सीएट के नए टायर्स मैंने चेंज कराए हैं. और साथ ही साथ मैंने एक और चीज़ ली है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा व्लॉग में, मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने लिया है. और फिर कल सारा दिन मेरा लगभग उसी काम में निकल गया, टायर चेंज कराने में और इन सब काम में. और फिर रात को आई गॉट अ फोन कॉल फ्रॉम माई ऑफिस कि मुझे अर्जेंटली यहाँ बाराखंबा रोड जाना होगा. तो फिर रात को ही हम लोग निकल के आए और आके अभी आई एम नाउ गोइंग टू बाराखंबा. सो मैं जल्दी से चलता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों को बाराखंबा रोड पे. जब भी अपने को जल्दी होगी ना तभी अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसा काम होता है. और एक्चुअली आज जो है जो फार्मर्स हैं वो किसान बिल के अगेंस्ट दे आर डेमोन्स्ट्रेटिंग, प्रदर्शन कर रहे हैं. और उसकी वजह से दिल्ली, नोएडा टू दिल्ली जाने वाले जो रास्ते हैं वो काफ़ी बंद हैं और जो खुले हुए उन पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है. तो अभी अपने को रूट चेंज करना पड़ेगा और नया रूट लेना पड़ेगा. तो ये प्रेजेंट कंडीशन है. ऑल द मेजर रोड्स आर ब्लॉक्ड और जो बाकी सड़कें हैं, जो छोटी छोटी सड़कें हैं जो दिल्ली को जा रही हैं, उन सभी पे इस तरह का जाम है. और मेजर जितनी भी हैं वो सब बिल्कुल टोटल ब्लॉक है. तो काफ़ी ट्रैफिक जाम फेस करने के बाद फाइनली मैं पहुंच गया हूँ बाराखंबा रोड. और दिस इज़ द बाराखंबा रोड पुलिस स्टेशन राइट बिहाइंड मी. तो मैं अभी जाता हूँ अंदर और अपना काम खत्म करता हूँ, उसके बाद आई विल गो टू द पुलिस स्टेशन. सो राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन माई पुलिस स्टेशन. और जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हमारे पुलिस स्टेशन में एक नई मेस बनाई गई है. बिकॉज हमारा कुछ जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि वी हैव लॉन्ग वर्किंग आवर्स, बहुत ज़्यादा लंबे काम करने के जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है. तो इसलिए जो मैं एक मेजर कंसर्न होता है पुलिस वाले के लिए वो ये होता है कि खाना टाइम पे मिलता रहे. तो उसी कड़ी में एक ये मेस बनाई गई है. तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं यही वो मेस है. आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये मेस. सो दिस इज़ द न्यू मेस जिसका नाम है संजीवनी. और इसका लेट अभी परसों ही इनॉग्रेशन हुआ है. और सबसे पहले यहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई है. और उसके बाद जो अभी सबसे ज़रूरी है वो ये है एक अलमीरा जिसमें कि सैनिटाइज़र्स और विटामिन सी और पीपी किट, फेस शील्ड वगैरह सारा सामान रखा हुआ है, डिस्पोजेबल आइटम्स, ग्लव्स वगैरह, हैंड वॉश. और ये इसका एंट्रेंस. और साथ ही साथ यहाँ पे जो है ये सैनिटाइज़र डिस्पेंसर लगा हुआ है जिसको टच करने की ज़रूरत नहीं है, ये सैनिटाइज़र डिस्पेंस कर देगा. और उसके साथ साथ ये है हाथ धोने के लिए यहाँ पे हैंड वॉश. और ये बेसिन है और एक टीवी यहाँ पे दिया गया है ताकि थोड़ा सा खाना खाते वक्त इंसान थोड़ा सा फ्री हो सके. तो अब चलते हैं अंदर. और ये यहाँ पे चेयर्स हैं और ये फोल्डेबल टेबल्स हैं, इनको बिछा लिया जाता है जब खाने के टाइम पे और आप आराम से बैठ के यहाँ खाना खा सकते हैं. ये संजीवनी मेस. और ये एक फ्रिज है जिसमें आप अपना कोई भी सामान रख सकते हैं. और इसके साइड में ये किचन एरिया है. अभी इधर से ये लॉक है तो मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ. ये किचन एरिया है और काफ़ी बढ़िया यहाँ पे इसका इंटीरियर जो है किया गया है. और ये शायद
इस तरह की पहली मैस है दिल्ली पुलिस में जो बनाई गई है। सो दिस संजीवनी, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो लिया गया है। और एक मैस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आपको हेल्दी खाना मिलता रहेगा, बिकॉज़ यहाँ पे खाना बनाने वाला होता है तो आपको बाहर नहीं खाना पड़ेगा, और आप जो है बढ़िया खाना यहाँ पे खा सकते हैं, हेल्दी खाना खा सकते हैं जो यहीं पे जो हमारे मैस वर्कर्स हैं वो बनाते हैं। और रिसेंटली अभी इसका जो है, पर जैसा मैंने बताया, परसों इसका इनाग्रेशन हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया एक ये इनिशिएटिव जो है। तो आई होप कि जिस सोच के साथ इसको बनाया गया है वो सोच जो है दिखे, और खाना जो मेरे साथी हैं उनको समय से मिलता रहे। तो ये था आज का व्लॉग, और बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और जो हमारी नई मैस बनी है हमारे यहाँ पे, वो मैस आप लोगों को कैसी लगी। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं चाहूँगा कि सभी जगह पे इसी तरह की मैस बने ताकि प्रॉपर फूड की व्यवस्था हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को जो भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। और वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, हमें वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहिए। मिलूंगा जल्दी आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, सी यू।